Yes, my dear student, boys and girls, second year student. So, yesterday I think I finished over to the chapter number 14 now. We are going to start chapter number 15. Chapter number 15, Mustafa Kamal Pasha. First of all, I want to give you a little bit of introduction about the chapter. Hey, bachu, in this chapter, we will see Mustafa Kamal Pasha's achievement. Mustafa Kamal Pasha's achievement. So, what did he do for the Turks people? सबसे पहले हम देखेंगे कि whenever the chapter is going to start, there is looking very clear. There was saying a welcome to all the conqueror. उन सब लोगों को खुशामदीद कहा जाता है जो टर्क्स में, तुर्की में जिन्होंने अहम रोल अदा किया, गवर्नमेंट ने उनकी तरफ से इस्तकबाल किया उन लोगों का। फिर अगले पॉइंट में हम देखते हैं जो बादशाह वाज इन फेवर ऑफ अलाइज, बादशाह उन लोगों की जो उनके इतिहादी थे जिनमें कुछ ग्रीक फोर्सेस थी, कुछ मेरे बच्चों ब्रिटिश फॉरेन फोर्सेस थी, उनको अपने साथ अलाइज किया, मीन मेक देम कंबाइन इन वन यूनिट। सो इन कमिंग ये पॉइंट में मिस कर दिया, गवर्नमेंट जो थी बच्चों दैट वाज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक पीपल्स, जमहूरियत प्रस्त लोगों की गवर्नमेंट फेवर में थी। जैसे मैंने इधर लिखा है डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ये बच्चों डेमोक्रेसी मीन इज इट द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों से बनाई जाए, लोगों के लिए ही हो और लोगों के जरिए ही बने। अब हम उसके बाद देखते हैं चौथे पॉइंट में, आफ्टर व्हेनेवर द टर्क्स पीपल एंटर्ड इन टर्की देयर वाज अरेंज्ड द ब्रिटिश एम्बेसी, और उस ब्रिटिश एम्बेसी का काम ये था कि उसने बहुत सारे फॉरनर लोगों के लिए उधर वर्क किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अलाइज फोर्सेज हैं वो वीक बाय वीक डे बाय डे इंक्रीजिंग देयर वर्क इन टर्की, सो दैट वाज द काज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द पर्सनल पीपल। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 में देखते हैं कि टाउन ऑफ एंडोलिया, मैं एक बात छोड़ गया ऊपर, ये बच्चे मुस्तफा कमाल पाशा ने अपना मरकज, अपना सेंटर इस्तांबुल में बनाया था जो अभी तक टर्की का कैपिटल है। उसके बाद एंटोलिया उसका एक बहुत बड़ा शहर है, उस एंटोलिया में जो थे वो उन्होंने बहुत ज्यादा चेंज लाए। उसके बाद देखते हैं कि बादशाह ने मुस्तफा कमाल पाशा के साथ मिलकर बड़े बड़े ऑपरेशन शुरू कर दिए, बड़े बड़े बच्चों ऑपरेशन शुरू कर दिए। अब हम इसके बाद चैप्टर नंबर देखेंगे, मैं अपने बच्चों के लिए अब पढ़ने लगा हूँ मुस्तफा कमाल पाशा, आई थिंक द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, ये आपकी किताब का आखिरी चैप्टर है। चैप्टर में कुछ वर्ड्स ज्यादा पॉलिटिक्स हैं, मी टेक्निकल है, मैं आहिस्ता स्लो पढ़ूंगा, चाहे एक पेज पढ़ा जाए। सो बच्चे चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 78, द वार वाज ओवर, जैसे ही जंग खत्म हुई, थ्रूआउट द एंटायर नियर द मिडल ईस्ट द आर्मी ऑफ द डेमोक्रेसीज हैड बीन हेल्ड नॉट सो मच एज कॉन्करर बट द डिलीवरर। जब जंग खत्म हुई तो वस्ती मशरकी इलाके के करीब जो आर्मी और जमहूरियत पसंद लोग थे फाताहीन, उनका गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। द टर्क्स देमसेल्फ वर
only too glad to be able to lay down arms after almost continuous fighting since 1911 तक जो टर्क्स आर्म्ड फोर्सेस थी उन्होंने भी इस पेशरफ्त को जारी रखा. द गवर्नमेंट फॉर्म फ्रॉम द ओल्ड लिबरल वाज द पार ऑफ इस्तांबुल. अब जो पुरानी जो लिबरल पार्टीज थी मीन आजादी पसंद पार्टीज उनके साथ मिलकर जो थी इस्तांबुल में एक बहुत ताकतवर हुकूमत बना ली गई. एक साथ मेंबर ऑफ बादशाह हमसर लाइकीगढ़ बादशाह भी पसंद करता था कोलैबोरेट विद एलीज ओके इत्यादियों के साथ कोलैबोरेट की जाए. कोलैबोरेट मीन इकट्ठा करना. कोलैबोरेट मीन मेक ज्वाइन. कोलैबोरेट मीन ज्वाइन यूनिटी वन फॉर ऑल ऑल फॉर वन. सबने एक यूनिटी कर बादशाह भी कोलैबोरेट की फेवर में था. देयर ऑक्यूपेशन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन वाज दैट ऑफ लॉयलिटी टू द आर्मिस्टिस. ये बच्चों ये वर्ड किसको पढ़ना है आर्मिस्टिस. आर्मिस्टिस का मतलब होता है जंग बंद करने का मुआहदा. जब दो कंट्रीज की जंग हो रही हो एक तो इंग्लिश में उसको फायर सीज कहते हैं कि जंग रोक देना. दूसरा उसको मेरे बच्चों कहते हैं आर्मिस्टिस. आर्मिस्टिस आर लेदर में इस लेदर आर्मिस्टिस आर्थिक तौर पर जंग बंदी का मुआहदा हो गया. द कॉपरेशन ऑक्युपाइंग फोर्स ऑफ द कॉन्करर. इस तरह जो कॉन्करर थे उन्होंने मुख्तलिफ ताकतों को आगे इंट्रोड्यूस करवाया एट इस्तांबुल. ओल्ड ब्रिटिश एम्बेसी वाज नाउ द ब्रिटिश हाई कमीशन सपोर्टेड बाय मिलिट्री एंड नेवल डिटैचमेंट. इस तरह हुआ यूं कि इस्तांबुल में जो ब्रिटिश एम्बेसी है वो हाई कमीशन ब्रिटिश हाई कमीशन के मदद के तहत बहरी दस्तों को लिए काम करना उसने शुरू कर दिया. अलाइड फोर्सेस फॉर सुपरवाइजिंग द पोलिश और जो इत्तेहादी ऑफिसर थे वो पुलिस को सुपरवाइज कर रहे थे निगरानी कर रहे थे. एंड कोर्ट एंड नॉर्मल मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट वर प्रैक्टिकली सुपरपास. सुपरपास का मतलब होता है एक दूसरे की जगह लेना. बाय ऑर्डर ऑफ सजेशन फ्रॉम अलाइड. और इस तरह वो जो एम्बेसी थी वो अपनी बहरी बर्री दस्तों के साथ उस जगह पे अलाइड फोर्सेस के लिए काम करना शुरू हो गई. ये मेरे बच्चों ये वर्ड जो है सुप्रेस इसका मतलब होता है टेक अवे शिफ्ट कर देना किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाना. उसके बाद अगला कह रहा है एट दिस टाइम इस वक्त फार अवे इन ईस्टर्न एंट्रोलिया. एंट्रोलिया से काफी दूर वन द खासम खारबरकर. ये बीच जगह का नाम है खासम खारबरकर विद द सम अनडिफिकल्ट रैम्पेंट. बच्चों रैम्पर्ट होता है कच्ची कुची कोई चीज. रैम्पर्ट का मतलब होता है जो कोई चीज रिमेनिंग हो जो चीज रह गई हो जो चीज बकाया में रहे. इस तरह वो कह रहा है मेरे बच्चों अनडिफीटेड रैम्पर्ट ऑफ ऑटोमन आर्मी बिगन टू ऑब्स्ट्रक्ट द अलाइड कंट्रोल ऑफिसर. अब जो बची खुची जितनी भी फौजी मशीनरी थी वो ऑफिसर के कंट्रोल में दे दी गई. रिफ्यूजिंग टू दिस बैंड इज मैन और ताकि बाकी लोगों को भी मुंतशर किया जाए. वीक बाय वीक लिटिल इनकॉन्टर इंक्रीज हफ्ता बे हफ्ता वक्त के साथ साथ जड़पे बढ़ने लगी. इनकाउंटर मीन जड़पे काउंटर मीन लड़ाइयां और काउंटर मीन फाइटिंग.
उनकी बढ़ने लगी। इट वॉज एपरेंट दैट द टर्क्स वर स्टेडली ग्रोइंग बोल्डर। ये इससे ये बात जाहिर थी कि टर्की वाले दिन ब दिन मजबूत होते गए, सॉलिड होते गए। एवरी इंडिकेशन सीम टू द पॉइंट टू वन मैन एज बीइंग अ सूटेबल फॉर वर्क एंड मुस्तफा कमाल वाज मैन। एक आदमी था जो इस काम के लिए सबसे बड़ा मुतहर्रक था और वो था मुस्तफा कमाल, वो था मुस्तफा कमाल पाशा। उसके बाद एट फर्स्ट ब्रिटिश हाई कमिश्नर डिमर का मतलब होता है इंतजाज करना। डिमर का मतलब इसको पढ़ना मेरे बच्चों ने, डिमर डिमोर नहीं पढ़ना, डिमर। डिमर का मतलब होता है मेरे बच्चों इंतजाज करना। इस तरह हाई कमिश्नर ने डिमर किया, इंतजाज किया, बट हिज ऑब्जेक्शन वर फॉर वंस ओवर रूल्ड। लेकिन उनके जो जितने इतराज आते उनको खत्म कर दिया गया। मुस्तफा कमाल सेल्ड ऑन 15th ऑफ मे प्रोविंस 1919। मुस्तफा कमाल 15 मई 1919 को नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एंटोलिया टू गवर्नर जनरल ऑफ ईस्टर्न प्रोविंस। तो वो एंटोलिया के एज ए गवर्नर जनरल मशरकी सूबों में दाखिल हुआ। स्केर्सली है का स्मॉल स्टीमर, स्टीमर का मतलब होता है मेरे बच्चों, मैं जब लिखना बोल गया हूँ, छोटी कश्ती या जहाज। स्टीमर का मतलब होता है छोटी कश्ती या जहाज। वो अपने छोटे जहाज के जरिए एंटर अ ब्लैक सी में दाखिल हुआ। देन अथॉरिटी ऑफ इस्तांबुल बिकम सस्पिशियस ऑफ हिज इंटेंशन। अब जो इस्तांबुल की जितनी भी जो थी मेरे बच्चों अथॉरिटी, वो उनको उसके इरादे को जान चुकी थी। इशूड ऑर्डर फॉर द शिप टू बी इंटरसेप्टेड, हुक्म दिया गया कि जहाज को यहाँ रोक दिया जाए, लंगर अंदाज किया जाए। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बड़ी देर हो चुकी थी। अब थर्ड पैराग्राफ, द वेरी सेम डे, उसी दिन, इट बिकम क्लियर बिहाइंड ऑल अबाउट दैट द एलाइज हैड कंडेम द ऑटोमन एम्पायर टू पार्टिसिपेशन टू द वेरी वॉर ऑफ इस्तांबुल। ऑन द 15th ऑफ मई द एडमिरल ऑफ द ब्रिटिश मेडिटेरेनियन फ्लीट इनफॉर्म द ऑटोमन गवर्नर ऑफ इज़मीर दैट दिस ग्रेट सी पोर्ट एंड द रिच प्रोविंस ऑफ आयरन वर टू बी ऑक्यूपाइड बाई ग्रीक्स। बच्चों फिक्रा बहुत लंबा था, बल्कि पहला था पूरा, मैं अब थोड़ा करके पढ़ूंगा आहिस्ता क्योंकि आवाज बड़ी गूंज रही है। द वेरी सेम डे, उसी दिन, इट बिकम क्लियर बिहाइंड, ये सारी चीजें वाजे हो गई। लाइज हैड कंडन द ऑटोमन एम्पायर टू बी द पार्टीशन का मतलब हिस्से करना, टू बी वेरी बॉल्स ऑफ इस्तांबुल, कि इस्तांबुल के हिस्से बखरे कर दिए गए। ऑन द 15th ऑफ मई 15 मई को एडमिरल ऑफ ब्रिटिश मेडिटेरेनियन फ्लीट इनफॉर्म, उसके बहरी बेड़े ने अतला दी गई उसको कि ऑटोमन गवर्नर ऑफ इज़मीर के ऑटोमन गवर्नर जो उस्मानिया फौज के गवर्नर है, ग्रेट सी पोर्ट एंड रिच प्रोविंस ऑफ आइडॉन इन टू बैरिक्स, कि वो उन्होंने ग्रीक्स के इलाकों को फतह कर लिया है। ऑटोमन ट्रूप्स, ये जो उस्मानी दस्ते थे, हर्डली विदड्रॉन इन टू बैरिक्स, फिर वापस बैरकों में चले गए। ग्रीक द मेट्रोपोलिटन रेज द क्रॉस ऑफ द फर्स्ट ग्रीक सोल्जर द डिसमार, जहाज से उतरते ही उन्होंने अपने झंडे को ऊपर लहरा दिया। टू ऑल ट्रुक्स पेट्रियट, जितने भी तुर्की हुबल वतन थे, दीज इवन मैन दैट देयर वाज ओनली वन पॉलिसी वी परस्यूड, उन्होंने एक ही पॉलिसी को अपनाया।
इवन दो मोस्ट फ्रेंडली टू अलाइज वर इंफ्यूरेटेड, लेकिन कुछ उनके साथ ही आग बुगोला हो गए बाय दिस फॉरेन ऑक्यूपेशन ऑफ द रिचेस्ट मोस्ट एसेंशियली ट्रूथ ऑफ द पॉइंट्स, उनके सबसे ज्यादा जरखेज सूबे पर हमला होने की सूरत में आग बगोला हो गए। टर्क्स जो थे वो पेट्रियोटिज्म वाज नो लॉन्गर वे, उनकी हुब्बुल वतनी पे किसी को शक नहीं था, उनकी हुब्बुल वतनी कहीं भी मुबाम ना थी। वेग का मतलब होता है मेरे बेटे एम्बिग्युइटी, चीजों का वाजिया ना होना, एंड अनडिसाइडेड, कुछ फैसले थे, चीजें थी जो अनडिसाइडेड थी। एंड इट वाज द फ्लेम बर्निंग इन द हार्ट ऑफ द मेन एंड वीमेन ऑफ ऑल क्लासेस, तमाम लोगों के दिलों में एक शोले की तरह अंगारा जल रहा था। द फ्लेम इंडिग्नेशन नॉट अ हेट्रेड, ये शोला गैज़ो गज़ब का शोला ना कि नफरत का था। इवन ड्यूरिंग द क्रूअल वार ऑफ टर्क्स एंड द ग्रीक नेवर हेटेड ईच अदर, इससे पहले कभी तुर्कों और ग्रीक्स ने कभी जंग नहीं लड़ी थी। अमंग द ग्रीक्स देयर वाज अ लिटिल एंथुसियाज्म फॉर एंटोलियन एडवेंचर, अब इस तरह जो एंटोलिया की एडवेंचर थी उसका जोश और जज्बा बढ़ता गया। मैग्निफिसेंट ग्रीक रॉयलिस्ट ऑफिसर, इस तरह जो अजीम शानदार उनके ऑफिसर थे ग्रीक्स के, जिसका नाम था आइनो मेटकॉस, प्रोटेस्ट स्ट्रॉन्गली, जिसने एहतजाज किया टू द गवर्नमेंट बट इन वियन कंटिन्यू, लेकिन एहतजाज के साथ साथ उसने अपनी लश्कर कशी जारी रखी। बच्चों नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय लेक्चर, सो एट द एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन अ वन मिनट, ओके। इन दिस टुडे गोइंग आई इंट्रोड्यूस टू मुस्तफा कमाल पाशा। सो नो डाउट तुर्की वाज इन अ डिफरेंट पोजीशन सिंस वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बट सच अ पेट्रियोटिक लीडर, सच अ ग्रेट डिटरमाइंड लीडर मुस्तफा कमाल पाशा डिड अ ग्रेट जॉब फॉर द टर्क्स पीपल एंड टर्क्स पीपल आल्सो सपोर्टेड हिम अ लॉट। सो लेट द टाइम कम, थिंग्स गोइंग सॉल्व एंड एवरीथिंग गोइंग सेटल। सो फर्दर मोर आई मीन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट टुमारो, हैव अ नाइस टाइम, वंडरफुल टाइम, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय योर लाइफ, ओके। आई सी जावेद।